तो भैया क्वेश्चन आया है एल निनो से, और एल निनो ये कोर ज्योग्राफी का, जनरल ज्योग्राफी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, और पूरी तरह से आपकी एल निनो की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने एल निनो को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एल निनो क्या है। तो मैं आप सबको बता दूं, एल निनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, या आप कहो कि एक क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, जो 2 से लेके 7 साल के अंदर, 2 से 7 ईयर्स के बीच में एक बार ये होता है। ये होता है पैसिफिक ओशन में, एक अनयूजुअल सा क्लाइमेटिक पैटर्न है, क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, जो 2 से 7 साल में, 2 से 7 ईयर्स के बीच में एक बार होता है, और ये पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो एलिनो जो वर्ड है, ये एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लेस्ड चाइल्ड, यानी कि एकदम जैसे बोलते हैं ना हिंदी में कि धन्य बच्चा है कोई, एकदम भाग्यवान बच्चा है, ब्लेस्ड चाइल्ड है। साथ ही साथ इसको कई बार क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं, यानी जीसस का बच्चा भी कहते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भाई लोग क्योंकि ये दिसंबर के मंथ में, जब क्रिसमस का टाइम होता है, उस वक्त के आसपास ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। एक क्लाइमेटिक पैटर्न है, क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, जो क्रिसमस के आसपास 2 से 7 साल के अंदर एक बार आपको देखने को मिलता है, तो इसी वजह से इसे क्राइस्ट चाइल्ड भी बोल देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक अनयूजुअल क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि नॉर्मल कंडीशंस के दौरान तो ये नहीं हो रहा है, 2 से 7 साल में एक बार ये हो रहा है, पर इसका इम्पैक्ट काफी खतरनाक होता है। तो मैं आपको बता दूं ये एलिनो कहां पर किस तरह से होता है। भाई लोग, एलिनो को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम 2 चीजों को अच्छे से समझ लें। एक तो ये कि विंड्स जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। विंड्स जो है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, यानी हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ मूव करती है। हाई प्रेशर वाला एरिया वो होता है जहां पर टेम्परेचर होता है कम, जहां पर ठंड ज्यादा हो। भाई जहां पर ठंडा इलाका है, टेम्परेचर कम है, वहां पर हवाएं जो हैं वो नीचे सेटल होती हैं, और जब हवाएं नीचे सेटल होती हैं तो नीचे सेटल होते वक्त एक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, तो प्रेशर लगा रही हैं वो, यानी प्रेशर लगा रही, यानी प्रेशर कैसा है, हाई। और जहां पर टेम्परेचर होता है ज्यादा, गर्मी ज्यादा होती है, तो आसपास की हवाएं जो है वो गर्म होकर राइज करती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, और जब ऊपर उठ जाती हैं तो नीचे से प्रेशर हट जाता है, क्योंकि जब तक हवाएं थी तब तक तो प्रेशर लग रहा था, जैसी हवा राइज कर गई गर्म होकर ऊपर उठ गई तो प्रेशर हट गया, हट गया मतलब लो प्रेशर, और जहां से प्रेशर हटा है वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब हाई प्रेशर वाले इलाके से उस लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ, जहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए हवाएं चलती। तो हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ ही हवाएं इसलिए चलती हैं क्योंकि लो प्रेशर वाले इलाके में वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, और नेचर का ये लॉ है कि कहीं पर भी कोई रीजन बिना हवा के नहीं रहेगा। तो भाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, इसलिए विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जो मानसून आता है वो आता है जून के महीने में, और सितंबर तक ये इंडिया में रहता है, और सितंबर के बाद ये धीरे धीरे लौटने लगता है, और नवंबर दिसंबर तक तो भाई लोग इंडियन मानसून हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वापस लौट जाता है। तो जून में आता है और जुलाई अगस्त सितंबर तक अच्छी खासी जो रेनफॉल है हमें प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये सितंबर के बाद इंडिया से वापस लौटने लगता है। तो भाई ये हमने देखा कि मानसून जो है जून के महीने में आता है। ऐसा क्यों है कि मानसून जून के महीने में ही आ रहा है? आप सबको ये पता होना चाहिए कि सन की जो वर्टिकल रेज है, सन की जो वर्टिकल रेज है वो जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है। जून के महीने में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन की वर्टिकल रेज पड़ती है, तो जहां पर सन की वर्टिकल रेज पड़ेंगी वहां पर जबरदस्त गर्मी होगी। जबरदस्त गर्मी होगी इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख रहे हो, उन उन इलाकों में, उन उन कंट्रीज में जबरदस्त गर्मी है। इंडिया भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाया कर रहा है एक तरीके से, है ना भाई?
इंडिया के तो बीचों बीच से निकल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर तो जून के महीने में आप सभी जानते हैं, हम लोग रियलाइज भी करते हैं, फील भी करते हैं कि अभी देखो जून का महीना आने वाला है, आपको पता चलेगा जून में कितनी जबरदस्त गर्मी होती है, क्योंकि सन की वर्टिकल रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है जून के महीने में, तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और ज्यादा गर्मी होगी तो लो प्रेशर वाला एरिया बनेगा, यानी कि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बनता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो इस लो प्रेशर वाले एरिया को फिल करने के लिए ये मेडागास्कर है, यहाँ पर हाई प्रेशर का एरिया होता है, कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो हवाएं उस लो प्रेशर वाले एरिया में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको फिल करने के लिए ऐसे चलती हैं, इस डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, और जब ये मेडागास्कर से इंडिया की तरफ चलती हैं तो ये अपने साथ में, क्योंकि अब ओशन के ऊपर से जा रही है, तो ये अपने साथ में मॉइस्चर भी साथ में ले जाती है, तो अपने ये साथ में मॉइस्चर भी ले जाती है, नमी भी ले जाती है, और वही नमी बारिश के फॉर्म में, मॉनसून के फॉर्म में हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर वाले महीने में रिसीव होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इंडियन मॉनसून किस तरह से आता है। इंडियन मॉनसून के पीछे रीजन ये है कि जून के महीने में हमारे यहाँ सन की वर्टिकल रेज होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है, वैक्यूम बन जाता है, और उसी वैक्यूम को फिल करने के लिए मेडागास्कर की तरफ से विंड्स चलती हैं, और ये विंड्स क्योंकि ओशन के ऊपर से बहकर आ रही हैं तो ये साथ में मॉइस्चर भी लेके आती हैं, वही मॉइस्चर इंडिया पहुंच के रेनफॉल के फॉर्म में हमें मिलता है, इसी वजह से मॉनसून के टाइम में जून जुलाई अगस्त के टाइम पे हमारे यहाँ बारिश होती है। तो ये दो चीजें हमें समझनी थी एलनिनो को समझने से पहले। अब मैं आपको एलनिनो को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये है हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, तो अब एलनिनो को समझने से पहले हम पैसिफिक ओशन में जो नॉर्मल कंडीशन है, जो नॉर्मल चीजें हो रही है, उनको एक बार देख लेते हैं, तब आपको एलनिनो अच्छे से समझ में आएगा। तो होता क्या है कि ये अपना पैसिफिक ओशन है, अब पैसिफिक ओशन में आप देखिए ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ यहाँ पे एक कंट्री है पेरू, और यहाँ पर एक कंट्री अपनी इक्वेडोर, तो पूरा का पूरा जो ये इक्वेटोरियल रीजन है, आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर सन की वर्टिकल रेज आती है और साल भर आती है, जिसकी वजह से पूरा इक्वेटोरियल जोन जो है काफी ज्यादा गर्म रहता है साल भर। अब वो चाहे लैंड वाला पार्ट हो, चाहे सी वाला पार्ट हो, ओशन वाला पार्ट हो, दोनों के दोनों ही अच्छे खासे गर्म रहते हैं। अब होता क्या है, आप सबको मालूम होगा कि ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे चलती हैं। भाई पानी तो, यानी सी सरफेस तो गर्म है ही, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी चल रही हैं इक्वेटर के पास। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करती हैं, पेरू और इक्वेटर के आसपास का जो गर्म पानी है उसको डिस्प्लेस कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ, उस गर्म पानी की लेयर को ये शिफ्ट कर देती हैं बहाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और जैसे ही गर्म पानी की जो लेयर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होती है, तो नीचे से जो ठंडे पानी की लेयर है वो अपवेलिंग जोन बनाते हुए ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी जो ऊपर का गर्म पानी है वो तो शिफ्ट हो गया ट्रेड विंड्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, जो नीचे का ठंडा पानी है वो अब ऊपर की तरफ आ जाता है अपवेलिंग जोन क्रिएट करते हुए। तो अब जब नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर शिफ्ट होगा तो वो अपने साथ में कुछ फ्रेश न्यूट्रिएंट्स लेके ऊपर शिफ्ट होता है। फ्रेश न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ये प्लैंकटन्स वगैरह, जो बेसिकली एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बड़े एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये प्लैंकटन्स वगैरह ये फ्रेश न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जहां पर कोल्ड वाटर के साथ ये प्लैंकटन्स वगैरह ऊपर शिफ्ट होंगे, तो जहां जहां खाना पहुंचेगा, यानी जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है जहां जहां ऊपर की तरफ ये पहुंचेंगे, तो जो ये फिशेस वगैरह हैं, जो मछलियां हैं, वो भी फिर कहां पहुंचेंगी, उस खाने के चक्कर में वहां पहुंचेंगी, पेरू और इक्वेडोर के आसपास के इलाके में, क्योंकि वहां पानी ठंडा पानी ऊपर शिफ्ट हो गया, तो मछलियां भी उस फ्रेश न्यूट्रिएंट्स के चक्कर में वहां पहुंचेंगी। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि पेरू और इक्वेडोर के आसपास जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, यहां पर लोगों का जो धंधा है फिशिंग को लेके वो अच्छे से चमका हुआ है, ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। एक तरफ तो ये हो रहा है कि भाई ठंडा पानी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रेड विंड्स के साथ पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया गर्म पानी। अब भाई लोग, जहां गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हुआ है तो गर्म पानी के कॉन्टेक्ट में जो हवा आएगी वो भी गर्म होगी, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो हवा है इस गर्म पानी की लेयर की वजह से गर्म होती है, और यहां पर फिर इवेपोरेशन होता है, मॉइस्चर जो है वो हवा के साथ राइज करता है ऊपर की तरफ जाता है,
इस तरह, और ऊपर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाता है जिसकी वजह से बादल बन जाते हैं, और फिर बादल बनने के बाद यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है। तो आप देखिए नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक तो गर्म पानी की लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे मॉइस्चर राइज कर गया वेपोरेशन के थ्रू, कंडेंसेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, और उसके बाद रेनफॉल हो रही है ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल इलाके में या यहाँ पे जो आइलैंड्स है यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है। और दूसरी तरफ पेरू और इक्वेडोर वाला जो कोस्टल एरिया है वहां पर ठंडा पानी अपवेलिंग जोन बनाते हुए ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि गर्म पानी तो डिस्प्लेस हो गया, और जहां जहां ठंडा पानी ऊपर शिफ्ट हो रहा है वहां जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है जो प्लैंकटन्स वगैरह है वो भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जहां जहां फूड जा रहा है वहां वहां ये फिशेज वगैरह भी पहुंचती हैं। इस वजह से यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पेरू और इक्वेडोर के कोस्टल इलाकों में। तो ये नॉर्मल कंडीशंस है। अब एल निनो जो है भाई लोग वो बिल्कुल उल्टा है, इसका नॉर्मल कंडीशंस का बिल्कुल उल्टा है। मैंने अभी आपको बताया था कि एल निनो बेसिकली दिसंबर के महीने में पैसिफिक ओशन में आता है और हर 2 से 7 साल के अंदर एक बार आता है, तो एक अनयूजुअल क्लाइमेटिक पैटर्न है। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि जो ट्रेड विंड्स हैं जो इस तरह से चल रही होती है इक्वेटर के पास वो यहां पे वीक हो जाती हैं। अब अगर ये वीक हो गई तो ये क्या करेंगी, ये पेरू और इक्वेडोर के आसपास का जो गर्म पानी की लेयर थी उसको यहाँ पे नहीं ले जा पाएंगी, उसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा, जो ऑलरेडी शिफ्टेड गर्म पानी है ऑस्ट्रेलिया की तरफ वो अब वापस से लौटने लगता है पेरू और इक्वेडोर की तरफ। जो पहले से शिफ्टेड पानी है गर्म पानी की लेयर वो ट्रेड विंड्स के वीक होने की वजह से वापस शिफ्ट होने लगता है पेरू और इक्वेडोर की तरफ। अब आप खुद सोचिए कि जब गर्म पानी वापस लौटेगा पेरू और इक्वेडोर की तरफ तो यहां पर जो फिशिंग इंडस्ट्री उसका क्या होगा, क्योंकि गर्म पानी में तो प्लैंकटन्स आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अब जब गर्म पानी यहां पर शिफ्ट होगा तो अपवेलिंग जोन यहां पर कहीं क्रिएट होगा, तो जो भी फ्रेश न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ लौटेंगे तो फिशेस भी इस तरफ आ जाएंगी। तो भैया पेरू और इक्वेडोर में जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो तो एलिनो के टाइम पे ध्वस्त हो गई भाई, वो तो धंधा चौपट हो गया। और जो ये गर्म पानी वापस शिफ्ट हो रहा है पेरू और इक्वेडोर के पास, यहाँ पे अब हवा जो है वो गर्म होने लग गई, यहाँ पर इवेपोरेशन होगा और अब क्लाउड्स बनेंगे पेरू और इक्वेडोर के आसपास, और यहाँ पे जो ये क्लाउड्स बनेंगे उससे फिर यहाँ पे जबरदस्त बारिश होगी और जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लड्स आती हैं। तो एल निनो की वजह से यहाँ पर जबरदस्त फ्लड्स आती हैं पेरू और इक्वेडोर में। नॉर्मल कंडीशंस में वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है बारिश और जो फ्लड्स है वो ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, पर एल निनो की वजह से पेरू और इक्वेडोर में बारिश होती है और ऊपर से फिशिंग इंडस्ट्री भी इनकी यहाँ पे जो धंधा है उसका वो चौपट हो जाता है। तो ये एल निनो की वजह से यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है। अब यहाँ पे आप देखो एल निनो की वजह से हमारे इंडियन मॉनसून पे भी असर पड़ता है। वो कैसे, मैंने आपको बताया कि एल निनो के दौरान जो गर्म पानी की लेयर है वो शिफ्ट होती है इक्वेडोर या पेरू की तरफ, है ना जी, नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ थी, अभी ये चली गई पेरू या इक्वेडोर की तरफ, यानी गर्म पानी की लेयर यहां पर है, बादल यहां बनेंगे, बारिश यहां होगी, तो यानी यहां पर ये जो पूरा एरिया है यहां पर गर्म पानी की लेयर है, हवा गर्म हो रही है, तो बेसिकली कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर, पेरू इक्वेडोर के आसपास लो प्रेशर बन गया। और अपने इंडिया में भी जून के महीने में लो प्रेशर का एरिया होता है, मेडागास्कर में हाई प्रेशर है। अब आप देखिए मॉनसून का जो आने का पैटर्न है वो है मेडागास्कर की तरफ से हमारे इंडियन लो प्रेशर की तरफ, जो मॉनसून के आने का पैटर्न है वो है मेडागास्कर के हाई प्रेशर से इंडियन लो प्रेशर की तरफ। पर एक लो प्रेशर जो दिसंबर से शुरू हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक 6-7 महीने के लिए यहां पर भी बना हुआ है अपने पेरू और इक्वेडोर के पास, और ये लो प्रेशर जो है पेरू और इक्वेडोर का जो लो प्रेशर है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और हमारा लो प्रेशर जो है अब वो कंपैरेटिवली वीक फील होता है। तो अब ये जो मेडागास्कर की जो विंड्स हैं अब ये लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, अब या तो वो इंडिया वाले लो प्रेशर की तरफ मूव करें या फिर वो जो इधर लो प्रेशर है पेरू इक्वेडोर उसकी तरफ मूव करें। पर मैंने अभी आपको बताया कि लो प्रेशर स्ट्रॉन्गर कहाँ का है, इक्वेडोर पेरू का, तो हाई प्रेशर जो विंड्स हैं हाई प्रेशर वाले इलाके से जो विंड्स हैं दे मूव फ्रॉम मेडागास्कर टू पेरू एंड इक्वेडोर, हमारे इंडिया की तरफ नहीं आ रही है वो विंड्स, ये जो मेडागास्कर वाली विंड्स हैं वो पेरू और इक्वेडोर की तरफ जा रही है, हमारी तरफ नहीं आ रही। तो इसकी वजह से क्या हुआ भाई, हमारा तो मानसून ही नहीं आया ना, फिर जब विंड्स पेरू की तरफ चली गई तो जून के महीने में तो यहाँ हमारे पास तो आई नहीं है, इसका मतलब हमारे यहाँ मानसून नहीं आता। तो याद रखिए जब एल निनो आएगा 2 से 7 साल में कभी भी,
तो भैया पेरू और इक्वेडोर में तो बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे सूखा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो बारिश होगी नहीं, सारी बारिश तो अब इक्वेडोर पेरू के आसपास हो रही है। इंडिया में जो मॉनसून आना चाहिए था वो भी अब यहाँ पे नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी ड्रॉट की कंडीशंस। तो इंडिया में ड्रॉट की कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट की कंडीशंस, बारिश सारी कहाँ हो रही है? पेरू और इक्वेडोर में। तो ये एलिनो का इम्पैक्ट है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब हम क्वेश्चन पर लौटते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द एलिनो इफेक्ट। तो भाई लोग ध्यान से देखिए, डिस्टॉर्शन ऑफ इक्विटोरियल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, ये तो रिजल्टेंट है भाई। एलिनो ने पूरे के पूरे इक्विटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस के अगेंस्ट जा रही है ना सारी की सारी सिचुएशन। नॉर्मल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एलिनो ने सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इक्विटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ये रिजल्टेंट है। आप देखोगे इररेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, भाई इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर में इररेगुलरिटीज हो रही है कि नहीं? जब नॉर्मल कंडीशंस थी तो इवेपोरेशन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, यहां बादल बन रहे थे और उसके बाद यहां पर बारिश हो रही थी, ठीक है। अब एलिनो की वजह से इवेपोरेशन कहां हो रहा है? पेरू और इक्वेडोर के ऊपर, और वहां पर फिर बादल बन रहे हैं और वहां पर बारिश हो रही है। तो इररेगुलरिटीज इन इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर हो रहा है, ये भी रिजल्टेंट है। फिर डी है रिडक्शन इन दी अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन दी सी। भैया एलिनो की वजह से क्या हुआ कि पेरू और इक्वेडोर के कोस्ट पर जो गर्म वाटर की, जो वार्म वाटर की जो लेयर है वो वहां पे पहुंच गई, उसकी वजह से फिर वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है। तो भैया गर्म पानी की वजह से वहां पर प्लैंकटन्स कहाँ पर हैं? इसको ऐसे समझिए, जब एलिनो में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया से पेरू की तरफ शिफ्ट हुआ तो भैया ठंडा पानी तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चला गया, और वो ठंडा पानी फिर कहीं और दूसरी जगह अपवेलिंग जोन बना रहा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कहीं अपवेलिंग जोन बना रहा है, वहां पर फ्रेश न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, फिर वहीं पर मछलियां भी पहुंचेंगी। यहां से तो प्लैंकटन्स हट गए ना, और जब प्लैंकटन्स हट गए यहां से गर्म पानी की वजह से, तो फिशेस भी हट गई, फिशिंग इंडस्ट्री भी यहां पर तबाह हो गई। तो रिडक्शन हुआ है इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन्स विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फिश इन द सी। तो भैया ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों रिजल्टेंट्स हैं एलिनो इफेक्ट के। पर फ्लो ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ये हमने पूरे एलिनो में कहीं नहीं पढ़ा, मतलब ये रिजल्टेंट नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है, दिस ऑप्शन बी इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ एलिनो इफेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था एलिनो का, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।